गाउचर डिजीज़ एक वीडियो में हमने फ्रैक्चर के काजिस डिस्कस की थी, तो ये काजिस नहीं था, गाउचर डिजीज़। गाउचर डिजीज़ जेनेटिक डिसऑर्डर है वेयर फैट लेडन गाउचर सेल्स बिल्ट अप इन एरियाज लाइक स्प्लीन लिवर एंड बोन मैरो। ये जेनेटिक कंडीशंस है जिसमें ये स्पेसिफिक स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि स्प्लीन लिवर और बोन मैरो में बिल्ट अप होते हैं, और फिर इसी से रिलेटेड हमें इसकी प्रेजेंटेशन मिल रही होती है, स्प्लीन लिवर और बोन मैरो रिलेटेड। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं अब गाउचर डिजीज़ में साइन एंड सिम्टम्स हमें जो मोस्ट कॉमनली मिल रहे होते हैं वो है आई की इन्वॉल्वमेंट, ब्लड की, बोन्स की, ब्रेन की, लंग्स की, लिवर और स्प्लीन की। आई रिलेटेड क्या होता है कि हमें आई के अंदर येलो स्पॉट नज़र आता है और जो आई की मूवमेंट्स होती हैं उसमें भी डिफ़िकल्टी हो रही होती है पेशेंट को। सेकेंड गाउचर डिजीज़ में जो सिम्टम मिलता है वो है साइन और सिम्टम में ब्लड रिलेटेड, जैसे एनीमिया है, पेशेंट एनीमिक होगा, ईजी फिटिगेबिलिटी होगी उसमें, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा। बोन रिलेटेड उसे जॉइंट पेन होगा, उसके जॉइंट डैमेज हो चुके होंगे, बोन्स उसकी वीक होंगी, आर्थराइटिस भी मिल सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोनेक्रोसिस भी हो सकता है ड्यू टू बोन वीकनेस। ब्रेन रिलेटेड हमें कोऑर्डिनेशन में, मोटर स्किल्स में डिफ़िकल्टीज मिल सकती हैं पेशेंट की, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसे, सीजर्स मिल सकते हैं, डेवलपमेंटल डिलेज मिल सकते हैं। लंग्स रिलेटेड उससे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज होंगी। लिवर और स्प्लीन रिलेटेड अगर हम देखें तो हमें लिवर और स्प्लीन एनलार्ज्ड मिलेगा। बोन्स इन्वॉल्वमेंट की वजह से वही, जैसे हम देख रहे हैं कि बोन्स इसमें वीक हो रही हैं तो हमें ये इसमें फ्रैक्चर मिल रहे होते हैं। गाउचर डिजीज़ पेशेंट्स में ईजी मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। सेकेंड काज हमने देखी थी फ्रैक्चर में ब्रिटल बोन डिजीज़, जिसे हमने ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहा था। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में जो बोन्स होती हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑस्टियो मीन्स बोन, जेनेसिस मीन उसकी फॉर्मेशन हो गई, और इम्परफेक्टा मतलब एबनॉर्मल वे में बोन्स बन रही होती हैं। ये भी हमारे पास जेनेटिक कंडीशंस होती है। इसमें हमें जो साइंस मिल रहे होते हैं, जो फोर हेड होगा वो ब्रॉड मिलता है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं ब्रॉड फोर हेड है। ईयर रिलेटेड डेफनेस भी हो सकती है। जो आई का वाइट पार्ट होता है मतलब सक्लेरा, वो ब्लू हो जाता है। बोन टीथ इसमें पुअर होते हैं। जस्ट डिफॉर्मिटी मिल सकती हैं, पैरल डिफॉर्मिटी या फिर राउंडेड बैक। और बोन रिलेटेड इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमें बोन्स, स्पेशली जो लॉन्ग बोन्स हैं वो बेंट मिलेंगी और शॉर्टेंड मिलेंगी, जिसकी वजह से इसमें हमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स मिल रहे होंगे, ब्रोकन बोन्स मिलती हैं। नेक्स्ट काज हम अगर देखें फ्रैक्चर्स में जो कि पैथोलॉजिकल काज है वो है टैबिस टॉर्सेलिस। टैबिस टॉर्सेलिस है क्या, इसकी रीज़न क्या है? अनट्रीटेड सिफिलिस, सिफिलिस का इन्फेक्शन अगर उसे हमने टाइमली ट्रीट नहीं किया तब वो लीड कर सकता है टैबिस टॉर्सेलिस को। इसमें होगा क्या कि सिफिलिस इन्फेक्शन की वजह से जो डॉर्सल कॉलम होता है स्पाइनल कार्ड का, उसकी डीजनरेशन हो जाएगी, मतलब डीमाइलिनेशन होगी। डीमाइलिनेशन होने की वजह से डॉर्सल कॉलम इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। डॉर्सल कॉलम के हमें पता है कि वो असेंडिंग पाथवेज उसमें होते हैं, तो सारी जितनी भी हमारी सेंसेशंस हैं वो डिस्टर्ब्ड होंगे। हम देख सकते हैं इसमें हमें वीकनेस मिलेगी, एपिसोड्स ऑफ इंटेंस पेन मिल सकता है, डिस्टर्ब सेंसेशन होंगी, एटैक्सिक गेट होगी, जिसे हम एटैक्सिक गेट को ही हम डायबेटिक गेट भी कह सकते हैं, और साथ हमें कोऑर्डिनेशन भी डिस्टर्ब मिल सकता है। मेंटल स्टेटस चेंज होगा, पेशेंट डिमेंशिया में जा सकता है, विजुअल इम्पेयरमेंट्स होंगे, सेंसेशन डिमिनिश्ड होंगी, जैसे प्रेशर, वाइब्रेशन और टच के। इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे? फिजिकल टेस्ट से। हम फिजिकल टेस्ट जो रोमबर्ग टेस्ट होता है वो परफॉर्म कराएंगे पेशेंट को स्टैंडिंग में, वही आई क्लोज के साथ 1 मिनट के लिए स्टैंडिंग करना है। अगर उसमें हमें कोई स्वे मिलेगा या पेशेंट आई ओपन कर लेता है तो इसका मतलब है उसका कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब है और टैबिस टॉर्सेलिस पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आई वी पेंसिलिन मिल सकता है, एनाल्जेसिक्स मिल सकते हैं, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है कि हम ट्रेस करेंगे ये इन्फेक्शन कहाँ से उससे हुआ था, ताकि हम उस पर्सन को भी ट्रीट कर सकें, क्योंकि वो फर्दर सेपरेट करने की रीज़न होगा। नेक्स्ट हमने काज देखी थी बोन फ्रैक्चर के केस में पेजेट डिजीज़। पेजेट डिजीज़ को हम ऑस्टाइटिस भी कहते हैं। ऑस्टाइटिस इसका जो था वो ओल्ड नेम था।
और सर जेम्स पेजेट ने 1877 में इसे ही नाम दिया था ओस्टाइटिस, लेकिन अब इसे पेजेट डिजीज़ कहा जाता है। इसकी रीज़न अननोन होती है, इडियोपैथिक कंडीशन है। इसमें हमें ओस्टियोलाइसिस मतलब ब्रेन की ब्रेक डाउन मिल रही होती है और साथ ही बोन रिपेयरिंग रीजनरेशन मिल रही होती है, मतलब स्पीडली बोन ब्रेक भी कर रही होती है और फिर बन भी रही होती है, लेकिन जो बोन फॉर्म कर रही होती है वो वीक होती है, इसलिए उसमें ईजिली फ्रैक्चर हो जाते हैं।